हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं नियाज अंसारी स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल एंड स्टडी क्लासेस में। आज का टॉपिक है पद्म अवार्ड्स, जो आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली ग्रुप डी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पद्म पुरस्कार। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है ये पुरस्कार। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर की जाती है। यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री। पद्मभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मभूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। प्रतिष्ठित सेवा किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। टोटल 119 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। 10 लोगों को पद्म भूषण, 7 लोगों को पद्म विभूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में 29 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किया गया? इसका उत्तर है सी 1954। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है? गणतंत्र दिवस। पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति। 2001 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 2021 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 119।
2021 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बी आंसर 7। पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 102। 6 दशक से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी घोड़ा को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? आंसर है पद्मश्री। पहली बार कर्नाटक की किस ट्रांसजेंडर को 2021 में पद्म पुरस्कार दिया गया? मजमा जुगाटी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री। डायरेक्टर करण जौहर को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री। भारतीय पैरा एथलेटिक के वार्ड वेंकटेश को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? पद्मश्री। पच्चीस हजार से ज्यादा लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? पद्मश्री। 2021 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 29। स्टैटिक जीके के लिए हमारे चैनल एंड स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।